चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ अ रेजिस्टेंस आर चेंजेस एन अमाउंट डेल्टा फाई, ठीक है, फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है डेल्टा टी टाइम में, देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच पासिस थ्रू ड्यूरिंग दिस टाइम थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाई, देखो इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ये होता है। इंड्यूस चार्ज कितना, इंड्यूस करंट कितना होगा, ई अपॉन आर होगा, मैं इसको अगर मॉड के टर्म में लिख दूं, ठीक है, तो डी फाई बी बाई डी टी होगा, करेक्ट है, या डेल्टा के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी लिखेंगे, तो ई एम एफ की वैल्यू यहाँ रखें तो क्या होगा, वन अपॉन आर डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, ये हो गया। अब करंट की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हो, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, यानी इंड्यूस चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन अपॉन आर डेल्टा फाई बी, डेल्टा इसको ऐसे लिख दो डेल्टा फाई बी, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, इंडिपेंडेंट इंड्यूस चार्ज जो होता है चार्ज करंट से, यानी सॉरी टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, देखो टाइम नहीं ना आ रहा इसमें, तो इंड्यूस जो चार्ज होगा वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो डी फाइव बाई आर इसका करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।